उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगाई थी रोक। कांवड़ यात्रा पर रोक को लेकर डीजीपी ने की बैठक। 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। देश के नए मुख्य सचिव बने डॉक्टर सुखवीर सिंह संधु। 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं संधु। मोदी कैबिनेट का जल्द हो सकता है विस्तार। 20 से अधिक नए चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। 10 मंत्रियों के कामकाज में बदलाव की उम्मीद। योगी कैबिनेट में भी फेरबदल की सुगबुगाहट हुई तेज। जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की तरफ से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बता दें कि सरकार ने चारधाम यात्रा 1 जुलाई से चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिले से शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके चलते सरकार को भी एसओपी में संशोधन कर नई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी थी। हाईकोर्ट ने यात्रा को लेकर सुनवाई के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूछा था कि क्या हरिद्वार कुंभ के दौरान जो हुआ उसी को चारधाम यात्रा में भी दोहराने दिया जाए। तो सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो हश्र कुंभ में हुआ क्या वही दोहराने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की बात कही है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने चुनौती दी है। जी मैं तो बता दूं आपको, जिस तरीके शुभम हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। किसी तकनीकी खामी के कारण हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट चुका है और एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। शुभम, हाईकोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी और उसी के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार ने चुनौती दी। जी तो बता दो आपको भी, जिस तरीके से चारधाम यात्रा की बात की जाए तो चारधाम की यात्रा को लेके जो शासन सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक ही चारा रहा है कि हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही जो है जाके कहला जा सकता है। शुक्रिया शुभम जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा इस साल भी प्रतिबंधित रहेगी। मंगलवार को डीजीपी अशोक कुमार ने 8 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यात्रा पर प्रतिबंध है, ऐसे में यहां जो भी आएगा हो सकता है उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने राज्यों में थाना स्तर पर बैठक कर प्रतिबंध की जानकारी दें। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण लगातार दूसरे साल यात्रा रोकी गई है। स्थानीय लोगों के लिए भी यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। और एक बार फिर हमारे संवाददाता शुभम हमसे जुड़ चुके हैं। शुभम, सरकार ने रोक लगाई है और इधर डीजीपी ने भी बैठक की है, क्या कुछ चीजें उस बैठक में निकल कर आई हैं सामने? जी बिल्कुल, बता दूं आपको, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में बहुत सावन के मौसम में बहुत तेजी से मनाई जाती है, लेकिन इस पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी गई है और इस साल भी कोरोना के चलते देखा गया है कि रोक लगा दी गई। 8 राज्यों की पुलिस के साथ जो है बैठक करी डीजीपी ने, जिसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी सभी जगह के पुलिस अधीक्षक थे और कहीं ना कहीं जो डिसीजन निकला है वो लास्ट का वो यही है कि कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई जाएगी। जिस तरीके से तीसरी लहर का आना भी कहीं ना कहीं संभव बोला जा रहा है, उसको देखते हुए जो है डीजीपी द्वारा और प्रशासन द्वारा जो है इस बार कांवड़ यात्रा पे रोक लगाई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुखवीर सिंह संधु आज प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रदेश के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर
कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रोजगार ऐसी चीज है जो कोविड से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देना है कि रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। कहा उन्होंने ये भी कि सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको प्राथमिकता से लागू कराया जाएगा। इसके साथ ही ये भी बताया कि आपदा उत्तराखंड में नई बात नहीं है, इसलिए उससे निपटने की व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी। वहीं कोरोना महामारी के चलते लाखों लोगों का रोजगार बंद हो गया है और अपने घरों को वापस लौट आए हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं, जिनमें अल्मोड़ा हवालबाग ब्लॉक प्रमुख बबीता भाकुनी भी शामिल है। बबीता भाकुनी ने शानदार पहल करते हुए अब तक हजारों लोगों को रोजगार दिया है। बबीता भाकुनी ने बताया कि उनके ब्लॉक में 1089 प्रवासी आए हैं, जिनको बकरी पालन, भेड़ पालन, कंप्यूटर, सिलाई, ब्यूटिशियन आदि का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिया गया है, जो आज अपना रोजगार खुद सृजित करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी मनोज गोयल ने विकास भवन कार्यालय में जिला कौशल विकास समिति की बैठक लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने यहां की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से योजना बनाए जाने के आदेश दिए और कहा कि ऐसे बिंदुओं को ही योजना में शामिल किया जाए, जिससे यहां के युवाओं को लाभ मिल सके। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के तहत ऐसे विभागों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए, जिनमें युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। इस बैठक में सहायक परियोजना निदेशक रमेश चंद, लीड बैंक मैनेजर के एस शर्मा, सेवा योजन अधिकारी कपिल पांडे के अलावा तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं विकासखंड नरेंद्र नगर के प्रधान संगठन ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर फकोट स्थित ब्लॉक मुख्यालय में ताला जड़ दिया। कार्यालय भवन के मुख्य गेट पर प्रधान संगठन द्वारा ताला जड़ने से ब्लॉक के कर्मचारी बाहर ही बैठने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों से ब्लॉक मुख्यालय में काम की वजह से आने वाले लोग भी परेशान हैं। प्रधान संगठन ने ज्ञापन प्रेषित कर प्रदेश सरकार से तुरंत मांगों को पूरा करने की मांग की है। इसके साथ ही 12 सूत्रीय मांगों को पूरा न करने पर आंदोलन को उग्र करते हुए सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी है। प्रधान संगठन जिंदाबाद। ब्लॉक में तालाबंदी कर दी है। तालाबंदी करने के कारण पूरी शहर जाता है, पूरी सरकार को, क्योंकि सरकार हम एक साल से पहले भी हम पहले से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम एकतापुर देहरादून में भी बैठे थे, वहाँ पे भी उन्होंने प्रधान को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था हम लोगों को, और आज इतनी गहरी रूप में बनी हुई है। हमारी सूत्री 12 सूत्री जो मांग है वो प्रधान के लिए नहीं है, वो जनता के हित। तो प्रधान संगठन ने ब्लॉक मुख्यालय पर ताला जड़ दिया और 12 सूत्री अपनी मांगों को लेकर वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वाचस्पति सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। क्या कुछ मामला है वाचस्पति, ये 12 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? जी बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में प्रधान संगठन इस वक्त 12 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलनरत है। इसी क्रम में प्रधान संगठन नरेंद्र नगर विकास खंड ने 1 जुलाई से ब्लॉक मुख्यालय फकोट में 12 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन शुरू किया हुआ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ब्लॉक मुख्यालय का जो बाहर का जो गेट है उस पर ताला जड़ दिया है। कोई भी कर्मचारी काम करने अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। और उनकी 12 सूत्री मांगों में मैं बता दूं कि जो प्रमुख मांगे हैं उनमें जो CHC सेंटर जो खोला जा रहा है ग्राम पंचायतों में, सरकार जो है 2,500 रुपए प्रतिमाह उस पर कटौती कर रही है, उसका उन्होंने विरोध किया है। साथ में ही 15वें वित्त में जो 10% कंटेंजेंसी के रूप में कटौती की जा रही है उसका विरोध किया है। 13वें संविधान जो केंद्र सरकार ने पंचायतों को सौंपने का जो 29 विषयों का वो किया था पिछले वर्षों, उनका कहना है कि तमाम उन विषयों को जो है वो ग्राम पंचायतों को जो है सौंपा जाना चाहिए, जैसे उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, सिंचाई है, तमाम तरह के जो विभाग है। ग्राम प्रधानों का ये भी कहना है कि उनको 1500 का मानदेय प्रतिमाह दिया जाता है जो ना काफी है, 10,000 मासिक उन्होंने मांग की है। और साथ में कहा है कि जिस तरह से MLA और MP का जो है ये उनको पेंशन दी जाती है, 5,000 पेंशन उन्हें भी प्रतिमाह दी जाए, और मनरेगा में जो 100 दिन का काम किया जाता है वो 200 दिन कर दिया जाए। जी इस तरह से उनकी 12 सूत्री मांगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वाचस्पति जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार कमेटी के डिप्टी कन्वेनर मोहम्मद आदिल फरीदी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने दिए गए पत्र में कहा है कि लक्सर, लिब्बरहेडी और इकबालपुर चीनी मिलों पर 2012 से गन्ना समितियों का कमीशन बकाया था।
दो चीनी मिलों पर वसूली की कार्रवाई करते हुए इकबालपुर मिल की संपत्ति पर नीलामी का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मिल की स्थिति पहले ही चिंताजनक है और मिल द्वारा साल 2017 और 18 का गन्ना भुगतान भी नहीं किया गया है। मैं मोहम्मद आदिल फरीदी, राष्ट्रीय मानव अधिकार डिप्टी कन्वीनर। हमें सूत्रों से अज्ञात हुआ है कि राज्य के 3 मिल लक्सर, इकबालपुर, लिबरेडी और इसमें जो है गन्ना समिति होती है, उसका कमीशन होता है, तो उसमें तीनों मिलों पे बकाया चल रहा है। तो उसमें जो राज्य सरकार ने और गन्ना समिति ने इकबालपुर कृष्णा भूमि पे एक नोटिस चिपकाया है कि 12 तारीख में इसकी नीलामी है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी ये मांग करती है या तो तीनों मिलों की नीलामी की जाए या इस नीलामी को रद्द किया जाए, और नहीं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी इस पे जो भी कानून कार्रवाई होगी। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जी के 86वें जन्मदिन को पर्वतों की रानी मंसूरी के मलिंगार एस्टेट स्थित मंदिर में बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। भोटिया जनजाति समुदाय के द्वारा मंदिर में लमाओं के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद पारंपरिक तरीके से आटे की होली खेली गई और बुजुर्ग महिला द्वारा केक काटकर दलाई लामा की दीर्घायु होने की प्रार्थना भी की गई। उनका 86 जन्मदिन है उनका, उनके उपलक्ष्य में हम लोग पूजा पाठ करते हैं उनके लिए और सेलिब्रेट थोड़ा करते हैं पूजा वगैरह। किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि लगता है कि पूरे विश्व में ये मनाया जाता है, तो आप लोग किस तरीके से? हम लोग तो थोड़े मीठे चावल बनाते हैं, सबको बांटते हैं, सबका मुँह मीठा करते हैं और उसको डेसिल कहते हैं हम लोग, और पूजा पाठ करते हैं भगवान का नाम लेकर उनके। वहीं लालकुआ कोतवाली इलाके में रहने वाले एक युवक ने पेट्रोल पंप के मालिक पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। पीड़ित इंडियन ऑयल कंपनी के टैंकर का ड्राइवर है। पीड़ित का आरोप है कि रुद्रपुर में स्थित जगदीश पेट्रोल पंप के मालिक ने तेल चोरी का आरोप लगाकर अपने साथियों के साथ पिटाई की है। पीड़ित ने पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ कोतवाली में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोतवाली में मालूम किया गया तो कोई प्रार्थना पत्र इस प्रकार का अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन मोटी जानकारी के अनुसार जो पेट्रोल पंप मालिक हैं रुद्रपुर हैं, वहीं उन्होंने अपने कंडक्टर के साथ जो घटनाक्रम किया है उसके बाद प्रकाश में आई है। यदि कोई प्रार्थना पत्र मिलता है और घटनाक्रम होता है तो उसके अनुसार फिर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बोले सर, तूने बताया कि ड्राइवर को यहाँ पर मैं आया पाया तीर निकालेंगे करके, हमने उसके जूते बनाने गए, तूने बताया फिर गाड़ी बैठ पर चला गया आगे को, वहाँ जाके उतर गया, वहाँ जाके पब्लिक को मारे सरकार ने। किस चीज़ से मारा और कौन लोग थे वो? हाँ पर मारे दिमाग में जाकर, डंडों से ही मारा क्या? हाथ से मारा। वहीं छोटे से किसान परिवार से निकलकर हरिद्वार के घार क्षेत्र में शिक्षा की अलौकिक मशाल जलाने वाले स्वर्गीय तेजवीर सिंह सैनी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने बेहद कम समय में घार क्षेत्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाओं को जन्म दिया जो आज भी अग्रणी रहकर समाज में मुकाम बनाए हुए हैं। जिन विद्यार्थियों को इनका मार्गदर्शन मिला उन छात्रों ने प्रदेश स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। वहीं हर की पौड़ी गंगा घाट पर दिल्ली से आए यात्रियों ने जमकर उत्पात मचाया। यात्रियों ने हर की पौड़ी पर अपने किसी साथी का जन्मदिन मनाया, लेकिन इस दौरान गंगा घाट पर हुड़दंग मचाने लगे और अश्लील गानों पर डांस शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने जब लोगों को रोका तो पुलिस से अभद्रता करना शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस कुछ यात्रियों को पकड़कर थाने लेकर गई। आपको बता दें कि बीते दिनों भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ युवक घाट पर अश्लील गानों पर डांस कर रहे थे। वहीं रानीपुर कोतवाली इलाके में लोग लगातार हो रही चोरियों से परेशान हैं। पुलिस चोरी के मामलों में सक्रियता दिखाते हुए गिरोह के सरगना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सलमान और आदिल पर 300 से ज्यादा मोबाइल फोन चोरी करने का आरोप है। वहीं दोनों की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही उनके परिजन कोतवाली पहुंच गए और हंगामा करने लगे, लेकिन पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं अब बात हरिद्वार में नकली दवाओं की। नकली दवाओं पर बिक्री पर लगाम लगाने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर ने कई क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान कई मेडिकल स्टोर्स पर गड़बड़ी पाई गई तो कई क्लिनिक पर खुली दवाएं मरीजों को दिए जाने पर नाराजगी जताई। ड्रग इंस्पेक्टर की अचानक की गई छापेमारी से जगतीपुर इलाके के मेडिकल स्टोर और संचालकों में हड़कंप मच गया। कई स्टोर मालिकों को चेतावनी देते हुए आगे गलत दवाओं की बिक्री करने को नहीं कहा गया।
इसके साथ ही कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंतजार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इंतजार, ड्रग इंस्पेक्टर ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है, ऐसे में क्या कुछ देखने को मिला है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो ये मामला है ये हरिद्वार क्षेत्र के जगजीतपुर का मामला है, जहाँ एक जो मेडिकल संचालक है वो एक अवैध तरीके से मेडिकल चला जा रहा था, जहाँ जो ड्रग इंस्पेक्टर है अनिता भारती, उनके द्वारा यहाँ छापेमारी की गई और जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं बरामद की गई है और जो भी उनके जो वैधानिक कार्रवाई है उसको बढ़ा दिया गया है और उस वजह से कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया इंतजार जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं राज्य में इस वक्त गर्मी अपना कहर दिखा रही है, ऐसे में कई सामाजिक संस्थाएं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आगे आ रही हैं। हेल्पिंग स्माइलर सोसाइटी ने नैनीताल रोड बाजपुर में स्टॉल लगाकर लोगों को शरबत पिलाया, साथ ही सोसाइटी ने 2000 मास्क भी लोगों को बांटे। सोसाइटी के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि पिछले दिनों उनके पिता का देहांत हो गया था, आज उनकी स्मृति में लोगों को ठंडा शरबत और मास्क का वितरण किया गया है। सोसाइटी आगे भी लोगों की हर संभव मदद करती रहेगी। मेरे पिताजी का लगभग 40 दिन पहले स्वर्गवास हो गया था, उनकी स्मृति में आज जल वितरण का आयोजन किया गया है हेल्पिंग स्माइलर सोसाइटी की तरफ से, और साथ ही साथ में हमने मास्क और लोगों को सैनिटाइज करने का प्रयास किया है और लोगों को हम जागरूक भी कर रहे हैं कि आप जो है इस महामारी के समय में क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए ताकि आप और आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।